जिले के ब्लॉक बार क्षेत्र अंतर्गत आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रात के अंधेरे में टॉर्च और दिए की रोशनी में मरीजों का इलाज करते हुए एक मानवीय वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि जिसमें बार के CSC के डॉक्टरों द्वारा बगैर बिजली के भी मरीजों का किया गया उपचार और मानवता के साथ साथ अपने डॉक्टरी के पेशे का भी अपना फर्ज निभाया। दरअसल ललितपुर जिले के ब्लॉक बार अंतर्गत CSC में बीते दिन भारी बारिश के चलते विद्युत फॉल्ट होने की वजह से बिजली गुल थी और इन्वेटर भी जवाब दे गए, लेकिन डॉक्टरों के हौसले ने इसके आगे अपनी हार नहीं मानी और मानवता का परिचय देते हुए सुबह से लेकर शाम और देर रात तक टॉर्च की रोशनी में इलाज करते नजर आए। इस पूरे मामले का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सभी ने अपने अपने नजरिए से इस वायरल वीडियो को देखा और अपने अपने अंदाज प्रस्तुत किया, जबकि हकीकत आप सभी के सामने है। इस पूरे मामले के वायरल वीडियो के बारे में संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं डॉक्टरों से जानकारी मांगी गई तो उनका कहना है कि इस भीषण उमस भरी गर्मी और बरसात के चलते विद्युत फॉल्ट हो जाने की वजह से बिजली नहीं आती है और इन्वेटर भी जवाब दे जाते हैं और कई बार तो शॉर्ट सर्किट के चलते विद्युत बाधित हो जाती है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा मरीजों का समय पर इलाज होता रहता है चाहे दिन हो या रात। परेशानी की हम इधर डिलीवरी के लाने रात में आए गाड़ी से तो ऐसे अंधेरों पड़े, कोई लाइट व्यवस्था नहीं है, दीपक जला रहे सरसों के तेल से, वो पूरे गार्डन में नहीं आने लगे, मैंने फिर सब हो रहा डिलीवरी हो रही तो की वो रिया हो रही साहब जी बोलिए इधर कोई लाइट माइट कुछ नहीं है, पंखा चल गया था वो भी बंद कर दिया के लाइट नहीं आ रही, बंद कर दिया था और लेटरिन बाथरूम में कोई पानी नहीं है, बाहर से पानी लेके जाती लेटरिन और कारण ना पलंग पे चादर पीछे कुछ भी तो सुविधा है नहीं।